आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कांग्रेस की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आपने देखा किस तरह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको छोड़ दिया, 20 विधायकों को अलग कर लिया। उसके बाद महाराष्ट्र में भी परेशानियां हो रही थी। अब जाकर पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में भी कांग्रेस के अंदर ही, बाहर से नहीं, खुद कांग्रेसी नेताओं में एक जंग शुरू हो गई है। यह जंग इसलिए शुरू हो गई है कि वह कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन सालों में, जब से कांग्रेस की सरकार आई है पंजाब में, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके वादे किए थे, और वादों के बारे में तो जनता पूछेगी ही, हम क्या बताएंगे। कांग्रेसी नेता हैं पद्मश्री प्रगट सिंह और विधायक हैं फतेह सिंह बाजवा। उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिवों, मंत्रियों और चीफ सेक्रेटरियों के बीच एक जंग जारी है। यह जंग गलत है क्योंकि हमें अधिकारियों को जवाब नहीं देना है, जनता को जवाब देना है। इसलिए अमरिंदर सरकार को अब कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जो वादे जनता से किए थे वह करने पड़ेंगे। आपने देखा इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू भी अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि यह भी उम्मीदें थी कि नवजोत सिद्धू अब कांग्रेस को भी छोड़ देंगे, किसी अन्य पार्टी में, आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे या फिर नई पार्टी का गठन कर लेंगे। तो पंजाब सरकार का जब से गठन हुआ है वह लगातार विवादों के घेरे में है, उस पर निशाना साधा जाता रहा है। यही बात आप राजस्थान सरकार के बारे में करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर भी लगातार जबानी जंग जारी रहती थी, एक मंच को साझा नहीं किया करते थे। यह परिस्थितियाँ देखने को मिली। तो जहाँ कांग्रेस मजबूत भी है तो कहीं ना कहीं उसके खेमे के अंदर ही अब विवाद चल रहे हैं जो आने वाले समय में खतरनाक साबित होंगे। भले ही कांग्रेस बीते दिनों में खुश थी कि भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के लिए स्थितियां सोचनीय हो जाएंगी। और यदि आप महाराष्ट्र की बात भी करें तो शिवसेना आज आपके साथ है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी, उसकी जो विचारधारा है वह तो राइट विंग की ओर ही है। अभी आपने बीते दिनों में देखा होगा किस तरह उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में ही तारीफ करी थी प्रधानमंत्री मोदी की और गृहमंत्री अमित शाह की। तो वह भाजपा से नाराज हैं कह रहे थे, लेकिन उन दोनों की हमें तारीफ करनी होगी। तो कहीं ना कहीं शिवसेना का स्टैंड हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला है। आपको महाराष्ट्र में भी कवायदे जारी करनी होंगी, और जिस तरह पंजाब में इतनी मुसीबत चल रही है और राजस्थान में भी, तो भले ही आपकी सरकार किन्हीं राज्यों में है भी, लेकिन पार्टी के अंदर जो आपके एक विवाद चल रहा है उस पर आपको ध्यान देना होगा। हमारे व्यूवर्स को क्या लगता है, क्या पंजाब में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।